अगर आप समझते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग पासवर्ड रख के आप हैकर से बच सकते हैं तो ये आपकी भूल है। हैकर्स को पासवर्ड आप खुद देते हैं। जी हाँ, आपकी एक गलती आपको हैक कर सकती है। तो उस गलती को समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हैकर्स आपको हैक कैसे करते हैं, आपकी अकाउंट्स की डिटेल कैसे लेते हैं आपसे, जो कि आप खुद देते हैं उनको। हेलो गाइज, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज मैं आपके साथ हैकर्स की 5 ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो इस्तेमाल करके वो आपको हैक करते हैं। तो आप हैकर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, बाकी आगे आपकी मर्जी। भाई, मुझे एक ईमेल आई थी कि सना ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। मैंने जैसे ही उस ईमेल से अपना अकाउंट लॉगिन किया, अब मेरा अकाउंट ही नहीं खुल रहा। क्या आपने ये कंफर्म किया था कि जो ईमेल आई थी या जो आपने लिंक खोली थी वो वाकई फेसबुक की थी? ये तो मैंने कंफर्म नहीं किया। हो गया ना हैक आप। ओ नो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हो सकता हुआ हो, आपको पता ना लगा हो। तो इस मेथड को बोलते हैं फिशिंग। यह फिशिंग एफ वाली नहीं होती, ये पी वाली होती है। इसमें जो मछली होती है वो आप होते हैं, और जो कांटा डालता है वो होता है हैकर। इसमें सिंपली होता ये है कि हैकर आपके दिमाग से खेलता है। वो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाता है जिसको आप समझते हैं कि वो ओरिजिनल है, बल्कि वो होती फेक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें आपको एक फेसबुक से ईमेल आई है। जैसे अभी उसने बताया कि आपको फेसबुक से ईमेल आई कि किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, किसी ऐसे बंदे ने जिसको आप देख के उसको क्लिक करेंगे। या कोई ऐसी ईमेल फेसबुक की आ गई, कोई आपको ऐसे ईमेल दिखाएगा कि आपके अकाउंट पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, आपकी कोई लॉटरी निकल आई है, या कोई इस तरह की ईमेल आएगी आपको, जिससे आप उसको क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे या सोचेंगे कि वाकई इसको क्लिक करना चाहिए। और बिल्कुल वो सेम टू सेम आपको ओरिजिनल ईमेल की तरह लग रही होगी। जैसे आपको फेसबुक की ईमेल आती है तो वो बिल्कुल फेसबुक की ईमेल की तरह उसका इंटरफेस वगैरह बना हुआ होता है। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो जो लिंक आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, वो आपके सामने सेम एज इट फेसबुक का पेज ही खुलेगा। आपको लगेगा कि ये रियल है, मगर वो रियल नहीं होता। असल में वो एक फेक पेज बना हुआ होता है जिसमें जो भी डेटा आप इंसर्ट करेंगे वो हैकर के पास डायरेक्ट चली जाएगी और आपका अकाउंट हो जाएगा हैक। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो ईमेल आपको आई है वो वाकई किसी अथेंटिक कंपनी से आई है, जैसे फेसबुक की है तो वो वाकई facebook.com से आई है या कहीं और से आई है। हैकर्स अक्सर ये करते हैं कि वो कोई ऐसी ईमेल से करते हैं जैसे फेसबुक ए हो गया, फेसबुक बी हो गया, या फेसबुक ट्रिपल हो गया। कोई इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, क्योंकि ओरिजिनल तो उनको मिल नहीं सकती, तो उसमें थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं या समझते नहीं है या देखते नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ईमेल जो आई है किसी फेक बंदे से तो नहीं आई, फेक ईमेल से तो नहीं आई। तो सबसे पहले आपको ये कन्फर्म करना है। उसके बाद जब आप लिंक खोलते हैं तो जो URL आती है www.facebook.com वो वही है या कोई और है? यहाँ पे जो हैकर से कोई और URL यूज़ करते हैं जो उनके फेक पेज की होती है, वो सिमिलर भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। अगर वो फेसबुक की या जिस कंपनी की आपने खोली है वो नहीं है तो मतलब आप फेक पेज पे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन आगे जा सकती है हैकर्स के पास। तो इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ, जो हैकर इस्तेमाल करके आपको हैक करते हैं। भाई, इस बार तो मैंने कहीं पे लॉगिन भी नहीं किया है, फिर भी मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा। बार बार दिखा रहा है कि किसी ने पासवर्ड मेरा चेंज कर दिया। आपका सिस्टम हैक हो गया है। ओ नो, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बार बार पासवर्ड चेंज करते रहे उसके बाद भी वो हैक होता रहे? क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो यूज़र कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करता रहे और वो सेव होती रहे और किसी सूरत में वो हैकर्स के पास जाती रहे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं की लॉगर। हैकर्स बेसिकली आपके सिस्टम में किसी तरह वायरस इंस्टॉल करता है या आपसे खुद करवाता है, जो कि आप खुद भी करते हैं बड़े शौक से। तो अगर आपके सिस्टम में एक बार की लॉगर इंस्टॉल हो गया, एक वायरस जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, वो बैकएंड पे रन होता रहता है, तो आप जो भी कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास जाती रहती है। हो सकता है वो हर 3 मिनट के बाद जाती रहे, हो सकता है हर 5 मिनट के बाद जाती रहे, जो वो हैकर्स ने टाइम सेट किया होगा उस टाइम के हिसाब से उसके पास डेटा वो जा रही होगी। की लॉगर आपके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता है। की लॉगर आपकी सेव्ड क्रेडेंशियल जितनी भी होती है उनको रिमूव कर सकता है ताकि आप दोबारा टाइप करें और वो इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास जाए। आपकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकता है, जैसे कि एंटीवायरसेस की वेबसाइट होती हैं ऑफिशियल, वो हो सकता है ब्लॉक कर दे। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी की, वो आपके सिस्टम में ब्लॉक कर सकता है। बेसिकली की लॉगर के 2 टाइप्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो पब्लिक कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि साइबर कैफेज वगैरह होती है, उसमें एक चिप जो होती है वो इंस्टॉल होती है, वो लगी हुई होती है बैकएंड पे, और आप जो भी टाइप मज़े से कर रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही होती है। और दूसरा टाइप होता है सॉफ्टवेयर का,
जो कि आप क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपना एंटीवायरस बंद करके, उसकी सूरत में बैकएंड पे आपके पास वो इंस्टॉल हो जाता है। और काफ़ी सारे कीलॉगर ऐसे भी होते हैं जो कि आपके एंटीवायरस डिटेक्ट भी नहीं करते, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो आपके सिस्टम में चल रहा है, भले आप कितनी बार भी स्कैन कर लें अपने सिस्टम को। तो इस तरह के भी कीलॉगर अवेलेबल होते हैं। और कुछ इस तरह के भी कीलॉगर होते हैं जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट का फाइल है, एक्सेल का फाइल है, पीडीएफ का फाइल है, आपने वो ओपन कर लिया और बैकएंड पे वो कीलॉगर भी इंस्टॉल हो गया जिसका आपको पता नहीं लगेगा। उनको अनडिटेक्टेबल बनाया जाता है ताकि कोई भी एंटीवायरस उनको डिटेक्ट ना कर सके। तो कुछ भी डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर देखा करें कि वो आप कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म सेफ भी है या नहीं, माना आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बैंक की, आपके प्राइवेट ईमेल पासवर्ड जो भी चीज़ें हैं वो हैकर्स के पास जाती रहेंगी और आप हैक होते रहेंगे, तो बताना मेरा फर्ज है। भाई इस बार तो मैंने कहीं पे अपना अकाउंट लॉगिन भी नहीं किया है और कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं किया, फिर भी मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि आपके सिस्टम में की लॉगर भी इंस्टॉल नहीं है और आपने कहीं फेक पेज पे अपनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, उसके बाद भी आपका अकाउंट हो गया हैक। तो इसमें हैकर सिंपली आपके पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसे कि मेरा नाम बख्तियार है तो वो पासवर्ड बनाएगा बख्तियार 123, बख्तियार माय सेल फोन नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, और इस तरह के सारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा और फिर उनको वन बाय वन ट्राई करेगा, जिसको हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। और इस पूरे मेथड को हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। इसके बहुत सारे टूल्स भी आते हैं जिसमें हैकर एक जगह पे ईमेल डालता है और दूसरी जगह पे जितने भी उसने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं पासवर्ड के वो रखता है और वो वन बाय वन ट्राई होते रहते हैं, जहाँ पे वो सक्सेस हो जाता है हैकर को पता लग जाता है कि आपका पासवर्ड ये है। तो आइए चलते हैं चौथी टेक्निक की तरफ, जो हैकर इस्तेमाल करके आपको हैक कर सकता है। इसके बाद हैकर जो टेक्निक यूज करते हैं वो है डिक्शनरी अटैक। तो डिक्शनरी नाम से आपको पता लग गया होगा कि हैकर्स क्या करता होगा, समझ गए ना? जी हाँ, आप सही समझे, हैकर्स पूरी डिक्शनरी का इस्तेमाल करके आपके ईमेल और यूजर नेम को हैक करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एक टूल की मदद से आपका ईमेल और यूजर नेम एक साइट पर रखा जाता है और वहाँ पर पूरी डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं पूरी डिक्शनरी वहाँ पर रखी जाती है, या और भी पासवर्ड के कॉम्बिनेशन वहाँ पर रखे जाते हैं, उसके बाद उनको वन बाय वन ट्राई किया जाता है। तो जहाँ पे भी इसका सक्सेस मिलेगा हैकर को पता लग जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। तो आपका पासवर्ड कभी भी इतना सिंपल नहीं होना चाहिए जो कि डिक्शनरी में भी अवेलेबल हो, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना लाजमी है। आप किसी भी वेबसाइट में जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं, आपका नाम, एड्रेस, सेल फोन नंबर, सिटी, कंट्री, तो वो जाके डेटाबेस में एज इट सेव हो जाती है, सिवाय पासवर्ड के। पासवर्ड के लिए हमेशा कोई ना कोई हैश अल्गोरिथम यूज़ होता है जो कि आपके पासवर्ड को कन्वर्ट कर देता है किसी हैश में और वो हैश जाके डेटाबेस में सेव होता है। सारी वेबसाइट ये अल्गोरिथम का यूज़ नहीं करती, मगर जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो इस अल्गोरिथम का यूज़ करती हैं। तो हैकर्स अगर कोई वेबसाइट हैक करते हैं तो उनको ईमेल, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें तो मिल जाती है, मगर जो पासवर्ड मिलता है वो मिलता है किसी ना किसी अल्गोरिथम में हैश की सूरत में, जो कि हैश वो डालेगा अगर लॉगिन करने के लिए डालेगा तो उसके बाद लॉगिन नहीं होगा। तो आपका अकाउंट लॉगिन करने के लिए उसको हैश को ब्रेक करना होगा, डिक्रिप्ट करना होगा किसी ना किसी तरह। तो इसके लिए यूज़ होता है रेनबो टेबल। अब आप बोल रहे होंगे कि रेनबो टेबल क्या है, चले मैं आपको बताता हूँ। रेनबो टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले पासवर्ड की लिस्ट मौजूद होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड हैक कर लेता है किसी वेबसाइट को हैक करके, या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसकी डेटाबेस लीक हो गई है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो गई है, आपका ईमेल पासवर्ड भी लीक हो गया, मगर पासवर्ड जो लीक हुआ है वो हैश की सूरत में है, तो हैकर्स क्या करते हैं, वो वहाँ से वो हैश उठा के रेनबो टेबल में सर्च करते हैं। अगर वो वहाँ पे आपका पासवर्ड मौजूद होगा तो आपका ईमेल हैक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप अपना पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखा करें और चेंज करते रहा करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की मैं और वीडियोस बनाता रहूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।